हेलो दोस्तों, मैं फिजल नई वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज भाई अपने सामने खड़े न्यू स्विफ्ट 2021। इस वीडियो में पूरा बात करेंगे भाई कैसी ये दिखने में है, क्या है, क्या चीज, क्या क्या चेंजेस किए गए इस गाड़ी में, प्राइसिंग वगैरह की पूरी बात करेंगे भाई। किस किस वेरियंट में आती है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और प्राइसिंग वगैरह तो बताएंगे ही, और इंजन स्पेसिफिकेशन साथ में बताएंगे। तो पूरा वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। हेडलाइट्स ऐसे मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब्स में, इंडिकेटर भी साथ में दिए गए हैं। और वहीं आप इसका टॉप मॉडल के हेडलैम्प्स की बात करें तो उसमें भाई प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स आते हैं जो कि बहुत मस्त लगते हैं रात में भाई देखने में। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे भाई आपके स्पेसिफिकेशन बढ़ते रहेंगे। तो ऑन रोड प्राइस वगैरह सब की बात करेंगे आगे वीडियो में। और भाई फॉग लैम्प्स यहाँ प्लेस होते हैं, ये भी XM मॉडल में तो इसमें नहीं दिया गया, सुजुकी का लोगो क्रोम में। और सामने से कुछ ऐसी दिख जाती है भाई, नेवी ब्लू कलर है, मस्त लग रही है देखने में भी लाइटिंग में जब खड़ी है शोरूम में। और अपना भाई ये क्रोम जो बीच में देख रहे हो ग्रिल के बीच में, ये अपना चेंज किया गया है, नया आ चुका है, वैसा लुक में ग्रिल आ गई है। और एयर पासिंग के लिए ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है ऐसे कुछ डिज़ाइन में। और नीचे देखोगे तो भाई नीचे भी एयर पासिंग के लिए डबल दिया गया है अपना, और यहाँ भी आपको एजिस मिल जाते हैं उसमें बम्पर में। तो ऐसा कुछ देखने में साइड प्रोफाइल लुक। लेंथ वगैरह की बात करें तो भाई इसमें आती है अपनी 3845 mm की लेंथ, विड्थ आती है 1735 mm की, और हाइट आती है 1530 mm की। तो भाई लेंथ में ही चेंज किया गया है, बस 5 mm बढ़ी है लेंथ इसकी। और JK कंपनी का टायर मिल जाते हैं, और अपने 165/80 R14 14 इंच के अपने स्टील व्हील्स, साथ में व्हील कैप्स। और अपने भाई डोर हैंडल की बात करें तो बॉडी कलर डोर हैंडल, उसी में एक की प्लेसिंग की गई है। अपना वैसे नहीं है, अपना रिक्वेस्ट सेंसर वाला नहीं है मॉडल, अपना टॉप मॉडल लेना ZXi+ में मिल जाएगा आपको। और पीछे भी सेम अपना ऐसे ही व्हील कैप्स के साथ मिल जाते हैं। और पीछे ग्रैब हैंडल की बात करें तो आपको मैट फिनिश में ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बॉडी में नहीं मिलता अपना डोर में, सीधा अपना सी पिलर में मिल जाता। और बी पिलर आपको थोड़ा मैट फिनिश में मिल जाएगा, और देखने से ऐसा कुछ बढ़िया लगती है। मिनी कूपर जिसे कह लो भाई, मिनी कूपर छोटी लगती है ऐसा, अगर इसे मॉडिफाई करा लो तो मिनी कूपर टाइप की लग जाएगी, क्योंकि तो मैंने ऐसे देख रखे स्विफ्ट वगैरह मॉडिफाइड मिनी कूपर टाइप बिल्कुल लग रही है। लोगों भी चेंज करा रखा था एक बंदे ने जब देखा था। तो लाइट्स आपको ऐसे कुछ मिल जाते हैं सी शेप में, और इसी में ही आपको भाई रिवर्स की लाइट और अपनी इंडिकेटर की लाइट। जलती हुई रात में बहुत प्यारी लुक आती है इसकी जब जलती है रात में, और ये कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है इस गाड़ी पे, बढ़िया मेंटेनेंस तो मांगता ही है। और आप देख रहे हो भाई छत इसकी डुअल टोन में नहीं है, डुअल टोन में आपकी जब आएगी जब आप अपना बड़ा मॉडल लोगे, जैसे ZXi+ टॉप मॉडल जो आता है इसका। सुजुकी का लोगो अपना क्रोम में, स्विफ्ट का लोगो भी क्रोम में, डिफोगर नहीं मिलता, ऊपर एंटीना है, रूफ हाई माउंट स्टॉप ब्रेक लैम्प मिल जाता है साथ में, और ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। और पीछे भाई सेफ्टी में बात करें तो रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 4, अपनी ईजीली पार्किंग करने के लिए, अपना आसान बनाने के लिए। और बूट अपना ओपनर ऐसा कुछ मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो भाई 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको, ऐसा कुछ है भाई खोलने में और अपना बैग उतारने चढ़ाने में कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। और अपना भाई स्पेयर टायर की बात करें तो यहीं आपको इसके नीचे स्पेयर टायर मिल जाता है सेम कंपनी का, वही अपना 14 इंचज़ का, अपना 165/80 R14 ऐसा कुछ स्पेयर टायर। और अपना भाई ये अपनी पार्सल ट्रे मिल जाती है साथ में, आप सोचो भाई लगानी नहीं पड़ती, और ऐसे कुछ अपना ग्रैब हैंडल से बंद कर सकते हैं पीछे से। तो अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, क्या कुछ चेंजेस किए गए पूरी गाड़ी में देख लेते हैं एक बार। अंदर भाई बात करें तो डोर पैनल की, VXI मॉडल है, तो अंदर देख लो भाई ब्लैक इंटीरियर मिलता है, और यहाँ क्रोम की फिनिश है डोर हैंडल पे, और ये अपना लॉक अनलॉक का, और यहाँ पूरा भाई लॉक अनलॉक का, ये अपना ORVMs के कंट्रोल भाई, ये अपना ऑटोमेटिक ORVM फोल्डेबल नहीं है, सिर्फ आपको बता दूं भाई अपना अंदर का जो अपना रियर मिरर है, अंदर का जो अपना साइड मिरर का अंदर का कंट्रोल करने का, वो अपना कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लॉक करनी है विंडो यहाँ से, चारों पार विंडो का कंट्रोल ये है। और ये थोड़ा भाई कार्बन फिनिश में आप देख सकते हो पास से, और ये अपना ग्रैब हैंडल, और यहाँ भाई कुशनिंग है पूरी ये फैब्रिक में, ये देख लो कुशनिंग है, और ये भाई हार्ड प्लास्टिक है ये यहाँ से देख सकते हो भाई। नीचे अपने डोर पे स्पीकर है, बोतल होल्डर, और अपना भाई यहाँ पे कुछ भी अपना अखबार वगैरह कोई भी पेपर वगैरह रख सकते हो। और अंदर भाई सीट्स की बात करें तो सीट भाई आपको हाइट एडजस्टेबल, और अपने आगे पीछे भी अपने कर सकते हो अपनी सीट को, सीट की अपनी फिनिश देख लो भाई, तो अपनी बकेट फिट मिलती है साथ में। अब अंदर बैठ के देखते भाई अंदर कैसी है। और न्यू स्विफ्ट में ऐसा कुछ इंटीरियर मिल जाता, और अंदर से देखें तो भाई अभी चाबी तो है नहीं, चला के दिखा नहीं सकता, बलून्स वगैरह पड़े हैं,
ऐसा कुछ इसका भाई मीटर मिल जाता है। अभी डोर खुला हुआ था भाई, उसकी लाइट जल रही है मीटर में, देख सकते हो नीचे अपना भाई साइड में ये एसी वेंट्स के कंट्रोल, अपने यहाँ फ्लो अपना कंट्रोल कर सकते हो साइड के, और बीच के एसी वेंट के कंट्रोल भाई गोल से अपना थोड़े भाई मिनी कूपर टाइप डिजाइन आ जाता। और ये अपना हजार लैंप्स के, हजार लैंप की भी लाइट जलती रहती है। और अपना भाई स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग बड़ा जबरदस्त है। सीट को एक बार पीछे कर लेते हैं पूरी और फिर देखते हैं। स्टेयरिंग भाई बड़ा जबरदस्त है, अर्टिगा जैसा है बिल्कुल भाई। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, यहाँ आपको क्रोम की फिनिश मिल जाती है ये थोड़ी, और ये सुजुकी का लोगो भी क्रोम में है। और अपना भाई मोड वगैरह सेलेक्ट करना है, आवाज कंट्रोल अपना आगे ट्यून वगैरह करना है तो यहाँ से मोड यहाँ म्यूट करना है, इससे कॉल उठाना काटना और ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। ये VXI में भाई आपको अर्टिगा वाला ही सिस्टम मिल जाता है, ये देख लो छोटी सी स्क्रीन है यहाँ। और अपना भाई प्लस माइनस का कंट्रोल इसे वहां पे चिपका देते भाई, वरना कहेंगे शोरूम वाले पन्नी उतार दी इनकी। और मारुति की भाई बात करें तो ये जो नीचे का ना इनका कंसोल ये तो भाई हमेशा ऐसे ही रहता है, स्विफ्ट में कभी भी देख लो या आल्टो में देख लो या अपने भाई अर्टिगा VXI में देख लो, सेम ऐसे ही कंट्रोल मिलेगा। और इको में भी देख लो ऐसे ही कंट्रोल आएंगे ये एयर फ्लो करने के, यार ऐसे कोई कंट्रोल आने लग रहे हैं मतलब थोड़ा यार प्रीमियम तो करना चाहिए अंदर से। ये देख पा रहे हो भाई सिल्वर फिनिश है और ये सारा भाई ब्लैक इंटीरियर है पूरा हार्ड प्लास्टिक में। प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो भाई ये तो ठीक है, लेकिन जो ये है ना ये देख लो कैसे हिल रहा है, मतलब थोड़ा चीप सी क्वालिटी है अभी प्लास्टिक की, वो बात नहीं है लेकिन ठीक है भाई अपना बढ़िया अपना रिस्पॉन्स है। ऊपर भाई IRVM है अपना, ऑटोमेटिक नहीं है वैसे अपना मैनुअल में। और इधर देख लो भाई अपने एसी वेंट का कैसा है, SRS एयरबैग है इधर भी और एक अपना भाई इधर भी है, दो एयरबैग इस गाड़ी में आते हैं। और एसी वेंट आपको बता दिया मैं, इसके साइड में भाई ये थोड़ा क्रोम फिनिश के साथ है पूरा, और ऐसा कुछ है भाई दिखने में। हाइट की बात करूं तो भाई अभी मेरी भाई 5.6 हाइट है, और अभी इसको भाई ऊंचा कर लेता हूं हाइट की अपने बात करते हैं। पूरी फुल ऊपर उठा रखी है मैंने, तो भाई बताऊं तो पीछे आगे बैठा हूं ना, एक बार आगे कर लेता पूरी सीट, तो भाई मुझे अभी बोनट ज्यादा कुछ चमक नहीं रहा, सिर्फ वाइपर वगैरह ही चमक रहे हैं। अभी देख सकते हो मेरे फेस के अकॉर्डिंग रखा मोबाइल, तो ऐसा कुछ है भाई। सीट्स की क्वालिटी की बात करूं ना तो भाई सीट क्वालिटी बड़ी मस्त है भाई, सही बात बता रहा हूँ। ये देख लो बोल्जिंग साइड की बड़ी तगड़ी है, इसमें पूरी बकेट फिट के साथ आती है। इधर देख लो भाई कितनी ज्यादा बकेट फिट के साथ है, ये देख लो, तो मतलब यार ठीक है बहुत बढ़िया क्वालिटी। और सीट भी चौड़ी हो चुकी है, नीचे कप होल्डर है, यहाँ आपको पांच गियर बॉक्स मिल जाता है। ये भाई ऐसा लगता है जैसे फ्लूड भर रखा हो ना पेंट में, मतलब फ्लूड सा भर रखा है ऐसा लगता है पूरा देखने में। नीचे 12 वोल्ट का चार्जर, USB ऑक्स, और अपना भाई हैंड ब्रेक की बात करें तो टिप पे भाई क्रोम मिल जाता है। और यहाँ कोई आर्मरेस्ट वगैरह मिलता नहीं, जो कि इनका थोड़ा ड्रॉबैक है, आर्मरेस्ट तो देना ही चाहिए। तो ये हो जाती भाई आगे, एक बार ग्लव बॉक्स की बात कर ले भाई, लाइट वगैरह है नहीं, नॉर्मल सही है, क्वालिटी कुछ खास है नहीं, उसके साथ मैनुअल मिल जाती है। और ये आपको मैंने बता ही दिया भाई, ये थोड़ा कार्बन फिनिश सा लुक देने की ट्राई करा इन्होंने। और आगे दो स्पीकर, अब चलते भाई पीछे बैठ के देखते कैसा वो है सीट का। और मीटर भाई देख लो एक बार, मीटर अगर चाबी हो ना तो ये चलता है, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं अपने यहाँ भाई, अपने डिस्टेंस टू एम्प्टी एयर सब चेक कर सकते हो बीच में। ओडोमीटर अपने ये RPM मिल जाता है, अपने 220 तक मार्किंग मिल जाती है स्पीड की। अब चलते भाई पीछे, बलून वगैरह पड़े हैं भाई अंदर क्योंकि नई लॉन्च हुई है अपनी स्विफ्ट नए फेसलिफ्ट के साथ, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। और ड्यूअल टोन की बात करता हूँ भाई, छत पे ड्यूअल टोन मिलता है इसका टॉप मॉडल में, वो भी अपना VXI में नहीं मिलता। तो भाई अभी मेरा दोस्त बैठा है गाड़ी में भाई, कितनी हाइट है भाई आपकी? 5'9" हाइट है। और कंफर्टेबल बैठे हो आप अभी? बिल्कुल। आगे कितना स्पेस मिल जाता है आगे दिखाना हाथ करके ऐसे भाई, बहुत स्पेस है आगे, एक बार पीछे होके दिखा देता हूँ आपको। भाई की अब ये मैंने जो सीट आगे वाली एडजस्ट करी थी वो मैंने अपने अकॉर्डिंग करी थी, तो इसका स्पेस देख लो भाई एक बार, इतना कुछ मिल जाता है। और इधर भाई अपने थोड़ा जो भाई आगे कोई आगे करना चाहता सीट तो उसके अकॉर्डिंग है, बहुत स्पेस मिल जाता है, ये देख लो स्पेस बहुत। हाइट एक बार नापना भाई, हाइट नापना, हाइट ठीक ठाक है मतलब एक हाथ के करीब। और पीछे भाई जो ये हेडरेस्ट है ये अपना एडजस्टेबल नहीं है, अपना वैसे फिक्स्ड है तो इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते जैसे इसमें, तो ऐसा कुछ भाई पीछे इसका स्पेस मिल जाता है। और सेफ्टी वगैरह में बात करते हैं भाई, गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, चाइल्ड लॉक। और बॉडी वेट मिल जाता है अपना 905 किलो, तो भाई 1000 किलो भी नहीं है गाड़ी का वेट, तो समझ सकते हो भाई ग्लोबल NCAP की रेटिंग। और फ्रंट में अपना डिस्क और रियर में अपना ड्रम ब्रेक, तो रियर सेंसर साथ में मिल जाते हैं आपको पार्किंग ईजिली बनाने के लिए, वो आपको मैंने बता दिया। चलते भाई सीधा इसका एक बार इंजन देख लेते हैं कैसा है। यहाँ से आप अपना इंजन खोल सकते हैं इस बटन से, इस हुक से, और
और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। तो भाई अपने एवरेज की बात करें तो 23 से 24 केएमपीएल का एवरेज निकालती है। इस इंजन के साथ 1.2 लीटर का के सीरीज फोर सिलेंडर इंजन आता है जो कि 88.5 बीएचपी का पावर जनरेट करता है। ऊपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है और एवरेज भाई बहुत सही निकाल देती है गाड़ी। 23 से 24 तो लिख रखा है, अगर आप नॉर्मल हाईवे स्पीड पर चला रहे हो 80 के करीब तो आपको 30 के करीब एवरेज निकाल देती है 28 के करीब। तो भाई वेट की बात करें ना तो जब इसका बोनट उठाड़ता था तो बहुत हल्का बोनट लग रहा था, आप समझ सकते हो भाई 905 किलो की गाड़ी है। और ऐसी कुछ आपको गाड़ी मिल जाती है भाई BS6 इंजन के साथ। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो भाई इसमें चार मॉडल आते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। ZXi प्लस में आपको डुअल टोन मिल जाता है, या आपको भाई जो सामने खड़ा है VXi मॉडल है और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है भाई स्विफ्ट की 5.73 लाख से और 8.41 लाख तक जाती है। गुड़गांव एक्सोरूम प्राइस बता रहा हूँ आपको गुड़गांव के अंदर। और VXi का जो ऑन रोड प्राइस है जो आपको मेरे सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है वो गुड़गांव में आता है 6,32,473। तो ऐसे कुछ प्राइसिंग आ जाती है भाई इसकी न्यू स्विफ्ट की 2021। तो भाई देखने में भी बढ़िया गाड़ी है, मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी है। तो स्विफ्ट के बारे में आपको कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपको इसमें पसंद आया वो ज़रूर बताना कमेंट में। और भाई कुछ भी पूछना गाड़ी के बारे में इंस्टाग्राम स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहाँ जाकर मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था भाई वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय बाय।